हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें हार्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसके अंदर कोई ऐसे रिप्रोडक्टिव ज्यादा ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही जो पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एंड वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं गोनेड्स के थ्रू। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गोनेड्स के बारे में, गोनोडक्ट्स एंड गैमिट्स, एंड गैमिट्स यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन एंड इसके बाद डेवलपमेंट कैसे होगी। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे गोनेड्स की, सबसे फर्स्ट तो हार्डमानिया एक बाइसेक्सुअल है और इसको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग हो गया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, हमेशा यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है। प्रोटो मीन्स पहले, ठीक है, प्रोटो मीन्स पहले हो गया एंड गाइनस मीन्स फीमेल, गाइनस मीन्स फीमेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो पहले डिवेल्प होंगे मेल से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, हमेशा ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गोनेट्स की, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर हो गया सबसे फर्स्ट तो गोनेट का, ठीक है, ये गोनेट का लेफ्ट गोनेट का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये जो गोनेट होती है एक पेयर में होती है, ठीक है, दो गोनेट होती है, गोनेड एम्बेडेड इन द मेंटल ऑन आइदर साइड, मेंटल के अंदर एम्बेडेड होती है ये। इसके बाद जो राइट गोनेड है वो पेरिकार्डियम के अबाउ लाई करती है, ठीक है, पेरिकार्डियम के अबाउ लाई करती है राइट गोनेड। लेफ्ट गोनेड जो है इंटेस्टिनल लूप के अंदर प्रेजेंट होती है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बात की थी, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर भी बात की थी कि जो ये लूप होता है, इंटेस्टिनल लूप होता है, इसके अंदर ये लेफ्ट गोनेड प्रेजेंट होती है। तो ये पोजिशन होती है दोनों ही ग्लैंड की। इसके बाद अगर इस गोनेड्स का गोनेड्स की दोनों पोजीशन होती है, गोनेड्स का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे लेफ्ट गोनेड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट एक के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ये यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ओविडुकल फनल बोलेंगे, ठीक है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ओविडुकल फनल बोलेंगे। इसके बाद ये जो ट्यूब है, बाहर वाली जो ट्यूब है उसको बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है, बाहर वाली ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट से यहाँ पे बहुत सारे ओवेरियन डक्ट्यूल निकलेंगे, डक्ट्यूल निकलेंगे, ये जो यहाँ पे पीछे की साइड निकल रहे हैं, ठीक है, जो इसके जस्ट पीछे है उसको ओवेरियन डक्ट्यूल बोलते हैं। एंड ये ओवेरियन डक्ट्यूल जो है ओवेरियन लोब्स के अंदर ओपन हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो यहाँ पे जो है ये छोटा सा पोर स्पर्मेटिकल अपरेचर होता है, इसके बाद ये इससे निकलती है स्पर्म डक्ट, एंड इसके अंदर भी ऐसे ही ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ब्रांचेस हैं, इनको इनको बोलते हैं यहाँ पे स्पर्म ड्यूकल बोलेंगे, इसको डक्टल बोलेंगे। एंड इसके बाद ये जो लोब्स होंगे इनको टेस्टिस लोब बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे गोनेड का। इसके बाद अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर, अगर हम देखें ये यहाँ पे लोब्स, राउंडेड लोब्स होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है ये, विद 10 to 15 राउंडेड लोब्स होते हैं जो कि दो रोज के अंदर अरेंज होते हैं, एक रो इधर होगी, एक रो इधर होगी, तो इन दो रोज के अंदर ये अरेंज होते हैं एंड ये 10 to 25 हो सकते हैं। इसके बाद जो लोब है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लोब है, इन लोब्स में से ये देखिए, देखो सबसे पहले डिस्टल और प्रोक्सिमल एंड क्या होते हैं, लाइक अगर हम हैंड की बात करें, हैंड जो है यहां से जॉइंट है, ये क्या हो गया, इसका प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, एंड जो फ्री हैंड, फ्री वाला पार्ट है फिंगर्स की तरफ, वो इसका डिस्टल हैंड होगा,
यानी डिस्ट्रल एंड होगा, वो डिस्ट्रल फ्री एंड होगा। तो इसके जो प्रोक्सिमल पार्ट के जो ये लोब्स हैं वो छोटे होते हैं एंड यहां पे ये वाला होता है मीडियन, ठीक है, ये वाला क्या होता है मीडियन, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है। इन जो प्रोक्सिमल वाले पार्ट हैं, प्रोक्सिमल वाले लोब्स हैं, उनसे ये मीडियन वाला थोड़ा सा बड़ा होता है साइज के अंदर। इसके बाद जो लोब है इसके अंदर हैज पेरिफ्रल लार्ज कोर्टिकल ब्रिक रेड कलर टेस्टिकुलर रीजन। अब इन ये जो 10 to 25 हमने लोब्स की बात की, इन लोब्स के अंदर पेरिफ्रल लार्ज, पेरिफ्रल का मीनिंग है ये इस साइड प्रेजेंट होंगे, पेरिफ्री की साइड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर पेरिफ्रल एंड कोर्टिकल ब्रिक रेड कलर के टेस्टिकुलर रीजन होते हैं, यही तो हमने बात की थी, टेस्टिक लोब होते हैं यानी टेस्टिकुलर रीजन होते हैं। इसके बाद इनर स्मॉलर मेडुलरी पिंकिश कलर्ड ओवेरियन रीजन होते हैं, ठीक है, जो अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मेडुलरी, मेडुलरी यानी कि अंदर वाला पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले को कोर्टेक्स बोलते हैं, वैसे इसके अंदर मेडुलरी पार्ट जो है वो पिंकिश कलर्ड का होता है जिसको ओवेरियन रीजन बोला जाता है। टेस्टिकुलर रीजन कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड स्पर्मेटिक सीके। अब ये जो टेस्टिकुलर रीजन होगा उसके अंदर क्लोजली पैक्ड स्पर्मेटिक सीका प्रेजेंट होता है, लाइन बाय जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। एंड ये स्पर्मेटिक सीका क्या किया जाता है, जर्मिनल एपिथीलियम से लाइंड किया जाता है एंड ये जर्मिनल एपिथीलियम ये फॉर्म करती है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, डेवलपिंग स्टेजेस है स्पर्मेटोजोआ की, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जहां से बनेगी, देन सेल्स स्पर्मेटोसाइट्स होगी, देन स्पर्मेटोजोआ होगा। द ओवेरियन रीजन कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फोलिकल्स। जैसे यहाँ पे टेस्टिकुलर रीजन स्पर्मेटिक सी का कंटेन करता है, वैसे ही ओवेरियन फोलिकल्स क्या कंटेन करेंगे, ओवेरियन रीजन यहाँ पे ओवेरियन फोलिकल्स कंटेन करेंगे जिनके अंदर राउंडेड ओवा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, राउंडेड ओवा प्रेजेंट होंगे यहाँ पे इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस के ऊपर। एंड तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्पर्मेटिक सीका भी प्रेजेंट है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ एंड वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द ओवम, ये दोनों ही प्रेजेंट है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस सारे स्ट्रक्चर को, सो ईच लोब ऑफ द गोनेड इज अ हर्मेफ्रोडाइट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है, एक हर्मेफ्रोडाइट ग्लैंड है जिसके अंदर, हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग क्या होगा, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे गोनेड का। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गोनेड्स। इसके बाद सेकंड पार्ट अगर हम बात करें गोनोडक्ट्स, तो जो गोनोडक्ट्स है ओवरी से भी आएगी या फिर हम बोल सकते हैं ओवेरियन लोब से भी आएगी एंड टेस्टिकुलर लोब दोनों से ही आएंगी ये गोनोडक्ट्स। तो ये जो गोनोडक्ट्स है, ईच गोनेड हैज एन ओविडक्ट एंड अ वेस डिफेंस। हमने देखा था इस डायग्राम के अंदर कि हर एक गोनेड के अंदर ओविडक्ट एंड वेसा डिफेंस निकल के आते हैं, बोथ रनिंग पैरेलल, जो कि दोनों के दोनों इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग विद पैरेलल रन करते हैं। इसके बाद वैसा डिफरेंस जो होता है, वैसा डिफरेंस और स्पर्मेटिक डक्ट, ठीक है, वैसा डिफरेंस और स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है एक नैरोर डक्ट होती है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर लाइक हमें नजर आ रहा है ये बिल्कुल नैरो होती है एंड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ स्पर्मेटिक डक्ट्यूल, बहुत सारे स्पर्मेटिक डक्ट्यूल, ये जैसे स्पर्मेटिक डक्ट्यूल हो गई, ये इनकी ब्रांचेस होगी, तो बहुत सारे स्पर्मेटिक डक्ट्यूल जो है वो ऐसे आपस में मिलके ये बनाते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन, ये क्या बना लेंगे ऐसे, ये कॉमन यहाँ पे बन जाएगी वैसे डिफरेंस और स्पर्मेटिक डक्ट। इसके बाद ये कहां से आती है, फ्रॉम टेस्टिकुलर जोन ऑफ ईच साइड, हर एक साइड के टेस्टिकुलर जोन से आएगी, दोनों साइड के टेस्टिकुलर जोन से निकल के ये आ रही है। तो वैसा डिफरेंस और स्पर्मेटिक डक्ट क्या हो गया, एक नैरोर डक्ट होती है जो कि बनती किससे है, बनती है यूनियन ऑफ द स्पर्मेटिक डक्ट्यूल, स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स की यूनियन की वजह से बनती है, जो कि टेस्टिकुलर जोन जो है, टेस्टिकुलर लोब्स है अपनी अपनी साइड के, वहां से आते हैं। इसके बाद ओविडक्ट, ओविडक्ट जो है वाइडर होती है,
ठीक है, ओविडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है, थोड़ी सी से वाइडर होती है, वाइडर ट्यूब होती है, फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ ओवेरियन डक्ट्यूल्स, जो किससे बनती है, ओवेरियन डक्ट्यूल्स की जॉइनिंग से बनती है, कमिंग फ्रॉम ओवेरियन जोन ऑफ ईच साइड। एंड ये कहां से आते हैं, जो इनके अपने अपनी साइड के ओवेरियन जोन है वहां से निकल के आते हैं। एंड इसके बाद द गोनोडक्ट्स फ्रॉम बोथ साइड एक्सटेंड बियॉन्ड गोनेड्स एंड ओपन इंडिपेंडेंटली इनटू द क्लोएका। एंड ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, क्लोएका के अंदर ओपन हो जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं एंड क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएंगे। इस डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है, एक यहाँ पे ब्रैंकियल अपरेचर था, सेकेंड यहाँ पे एट्रियल अपरेचर है। एट्रियल अपरेचर की साइड क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये ओपन हो जाएंगी दोनों की दोनों गोनोडक्ट्स, जिसमें एक है यहाँ पे वेस डिफरेंस और स्पर्मेटिक डक्ट, सेकंड है यहाँ पे ओविडक्ट। तो ये एक टेस है गोनेड की, इसके अंदर देखो क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे इनर ओवेरियन जोन या फिर रीजन प्रेजेंट है एंड इधर आउटर टेस्टिकुलर जोन के पार्ट्स प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे ओवा हो गए, ओविडक्ट हो गई, सीलिएटेड एपिथीलियम हो गई एंड ये भी ओवा हो गई। इसके अलावा टेस्टिकुलर रीजन के अंदर स्पर्मेटिक सीके जो हमने बात की थी, जो कि जर्मिनल एपिथीलियम से लाइन किए गए थे, स्पर्मेटिक डक्ट हो गई, इसके बाद सीलिएटेड एपिथीलियम होगी, ये भी स्पर्मेटिक सीके हो गए, बहुत सारे स्पर्मेटिक सीके प्रेजेंट होंगे गोनेड के अंदर। तो ये टीएस ऑफ गोनेड हो गई। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया गोनोडक्ट्स का, ठीक है। गोनोडक्ट्स के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एक यहाँ पे मेल के लिए होगी, एक यहाँ पे फीमेल के लिए होगी। मेल के लिए जो होगी उसको वैसे डिफरेंस है और स्पर्मेटिक डक्ट बोलेंगे, फीमेल के लिए जो होगी उसको ओविडक्ट बोलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गैमीट्स की, नंबर थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे गैमीट्स कैसे होंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले जो गोनेड्स थी, गोनेड्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगी। गैमिट्स में एक मेल गैमिट होगा, एक फीमेल गैमिट होगा। तो गैमिट्स प्रोड्यूस करने के बाद ये गैमिट्स गोनोडक्ट्स यानी स्पर्मेटिक डक्ट और ओविडक्ट के थ्रू मूव करके क्लोएका के अंदर जाएंगे। एंड क्लोएका से जो आउटगोइंग वाटर होगा, आउटगोइंग वाटर करंट होगा, उसके थ्रू ये आउटसाइड मूव कर जाएंगे। एंड आउटसाइड मूव करने के बाद ये वाटर के अंदर जाएंगे एंड वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे गैमिट्स में स्पर्म की बात करें, जो स्पर्म्स होती हैं इसके अंदर बहुत माइन्यूट होती है, अबाउट 4 मीटर इन लेंथ होती है, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट स्पर्म होती है। एंड ईच स्पर्म हैज इंटीरियर ब्रॉड हेड, इसका एक एंटीरियर ब्रॉड हेड होता है एंड इस हेड के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। एंड एक इसके अंदर बीक शेप्ड एक्रोसोम होता है, ये जो बीक शेप हमें नजर आ रहे हैं ये क्या है, एक्रोसोम है। तो एक्रोसोम और हेड न्यूक्लियस मिलके यहाँ पे हेड फॉर्म करते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर एक शॉर्ट मिडल पीस होता है एंड अ लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, ये टेल हो गई, लॉन्ग टेल होती है एंड छोटा सा इसके अंदर मिडल पीस होता है। तो ये स्पर्म्स के पार्ट होते हैं, एक यहाँ पे हेड होगा, हेड के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड यहाँ पे मिडल पीस होगा छोटा सा एंड एक लॉन्ग स्ट्रेट टेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो स्पर्म होती है सो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मीन्स मैनी, मॉर्फ्स का मीनिंग फॉर्म्स, यानी कि स्पर्म्स जो है बहुत सारी फॉर्म शो करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का साइज क्या है, इस एक्रोसोम के साइज के बेसिस पे ये कई टाइप की जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकती है, यानी कि ये कई फॉर्म्स के अंदर अपने आप को कई फॉर्म्स के अंदर ही प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। इसके बाद अगर हम देखें ओवा, ओवम जो होगा यहाँ पे, ओवम जो है यहाँ पे, दीज आर फॉर्म्ड इन ओवेरियन पार्ट ऑफ द गोनेड, गोनेड के जो ओवेरियन पार्ट होते हैं, ओवेरियन लोब्स होते हैं, उनके अंदर ये फॉर्म्ड होते हैं। इसके बाद अ मैच्योर ओवम इज अबाउट 3 mm इन डायमीटर एंड ये 3 mm इन डायमीटर होता है, एक मैच्योर ओवम की हम बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, अब ये है मेच्योर ओवम का स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो यहाँ पे ये पार्ट प्रेजेंट है ये क्या है, योक, एंड ये योक जो है ये होती है स्मॉल अमाउंट में। इस स्मॉल अमाउंट को बोला जाता है माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ योक, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल योक होती है।
योग के बेसिस पे कैसे कैसे टाइप के एग्स होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो माइक्रोलेसिथल एग के अंदर क्या होगा, स्मॉल योग प्रेजेंट होगी। तो इस मेच्योर ओवम के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होती है। इसके बाद एक लार्ज न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है लार्ज होता है, न्यूक्लियोलस भी लार्ज होता है, एंड इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है विद लार्ज न्यूक्लियोलस एंड डेंस क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, ये एक साइड के अंदर होता है, ठीक है, वन साइड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओवम इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स। अब ये जो ओवम है ये तीन मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, यहाँ पे एक आउटर फोलिकुलर सेल होती है ये वाली, इसके अलावा यहाँ पे इनर फोलिकुलर सेल्स होती है ये वाली। एंड अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे एक आउटर कोरियोन होती है, एक इनर कोरियोन होती है, एंड एक व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है। ये तीन मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, एक इनर कोरियोन, एक आउटर कोरियोन एंड एक व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंटरकोरोनियल फ्लूइड एंड पेरिवाइटलाइन फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ होंगे, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन कौन सी होगी, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, इनर कोरियोन एंड आउटर कोरियोन, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है इस एग को सराउंड करके रखती है। एंड इन मेम्ब्रेन का काम होता है इस एग को प्रोटेक्ट करने का। तो इसके बाद क्या होगा, जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन इनर कोरियोन, इन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन इनर कोरियोन, यहाँ पे ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, रेड वाली जो हाईलाइट है ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन हो गई एंड ये वाली इनर कोरियोन हो गई। एंड इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोला जाता है, जो स्पेस होगा इसमें पेरी व्हाइट लाइन फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसके अलावा जो इनर कोरियोन एंड आउटर कोरियोन है, यानी ये इनर कोरियोन होगी, ये वाली आउटर कोरियोन होगी, इन दोनों के बीच में इंटरकोरोनियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेस होगा इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, वहां पे पेरिवाइट लाइन फ्लूइड एंड इंटरकोरोनियल जो फ्लूइड है वो भरे हुए होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे मेच्योर ओवम का स्ट्रक्चर। तो हमने देख लिया कि गैमेट्स इसके अंदर स्पर्म होगी एंड ओवम होगा। अब ये स्पर्म एंड ओवम जो है, हमने बात की थी ये गोनोडक्ट्स के थ्रू क्लोइका के अंदर चले जाएंगे एंड देन जो भी आउटसाइड वाटर करंट होगा उसके थ्रू ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लोइका के अंदर आएंगे फिर बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने के बाद अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूज करेंगे ये। तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी होगी, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डिवेलपमेंट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल एंड फीमेल यानी कि ओवम एंड स्पर्म फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से वहां पे एम्ब्रो एंड देन अलग अलग स्टेजेस आएंगे, डिवेलपमेंटल स्टेजेस। तो वो जो डिवेलपमेंट है यानी कि उस एम्ब्रियो से लेके और या फिर फर्टिलाइज्ड एग से लेके देन अडल्ट तक की जो जो स्टेजेस होंगे उनको डिवेलपमेंटल स्टेजेस बोलेंगे। एंड ये डिवेलपमेंट जो है ये इनडायरेक्ट तरीके से होती है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है कि फर्टिलाइज्ड एग था, जाइगोट बना, देन उसे एडल्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट होती है। तो इसको ये किसके थ्रू होगी, थ्रू अ फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा, जिसको टेडपोल लार्वा बोलते हैं, ठीक है। ये टेडपोल लार्वा हो गया, इस टेडपोल लार्वा के थ्रू इसके अंदर डिवेलपमेंट होती है। तो जो भी फर्टिलाइज्ड एग था वो इस टेडपोल लार्वा के अंदर कन्वर्ट होगा एंड या फिर डिवेलप होगा। एंड ये टेडपोल लार्वा जो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करने के बाद ये नेक्स्ट ससाइल अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ससाइल अडल्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है एंड ये एक सबट्रैक्टम से अटैच होता है। तो ये इस वे में इसके अंदर डिवेलपमेंट होती है एक, और लार्वा यहाँ पर होता है टेडपोल लार्वा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो हर्डमानिया है या फिर हम बोले यूरोकॉर्डेट्स है उसके अंदर टेडपोल लार्वा के थ्रू डिवेलपमेंट होती है। अब यहाँ पे हमने बोला है कि फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा है।
टेल्ड लार्वा यानी कि टेल सिर्फ टेल के अंदर टेल्ड लार्वा है ये, तो इसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है। हमने डिस्कस किया था जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है एनी स्टेज ऑफ द लाइफ, डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर किसी भी स्टेज के अंदर टेल यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे इस लार्वा के अंदर टेल प्रेजेंट होती है, तो ये यूरोकॉर्डेट्स के अंदर होता है। इसके अलावा यूरोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है टेल के अंदर, यानी यूरोकॉर्डेट इसलिए बोलते हैं, यूरो वर्ड जो है वो टेल के लिए आएगा एंड कॉर्डा वर्ड जो है वो आएगा यहाँ पे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इस फ्री स्विमिंग टेल लार्वा की हेल्प से, ये टेडपोल लार्वा की हेल्प से ससाइल अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक सबट्रैक्टम से अटैच होगा। तो यहां तक हमने गोनेट्स, गोनोडक्ट्स एंड गैमेट्स तीनों चीजें ये डिस्कस कर ली है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये तीनों चीजें ही इंक्लूड होती है। तो यहां तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हडमानिया कंप्लीट होता है एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सब फाइलम स्टार्ट करेंगे सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा स्टार्ट करेंगे। सिफेलोकोर्डेटा की जो भी टाइप स्टडी होगी उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।